जीवम निषिद्ध जादयंद सिंदुर्विधानम सकल नैविलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम् प्रमोऽर्हन्ताडं प्रमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं प्रमो उच्छायाडं प्रमो लोई सवसाहुडं अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनोजिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं की जा सकते, इसलिए हे भव्यात्मनो आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। संसार में प्रत्येक जीव किसी ना किसी दुख को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अविरल भाई दुख को वही प्राप्त होते हैं जो उस दुख में दुखी होते हैं। कष्ट सभी के जीवन में है, लेकिन उस कष्ट को कष्ट मान रहा है इसलिए दुखी है। माना कि विपुल ने कुछ कह दिया, तो क्या उसके कहने से आप वैसे हो जाएंगे? जैसे कोई व्यक्ति घर में होता है, उसकी माँ उसको क्या बोलती है? वो पढ़ता लिखता नहीं है तो क्या कहती है माँ? पूरा गधा ही है। तो क्या कहने से गधा हो गया? हाँ डालू, यदि गधा हो भी गया तो एक दृष्टि और समझना कि जिसे तो गधा कह रही है माँ, फिर वो कौन है? मोगना जी कौन है? माँ है तो गधे की माँ कौन होती है? वही तो होगी ना। तो सोच समझकर भी शब्द बोलना चाहिए। हम बोल तो दे हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि हम जिसको बोल रहे हैं वो संतान किसकी है। इसलिए शब्द भी बोलो तो चुनकर बोलना, चुनकर बोलना। लेकिन बिगाड़ किसका होगा ये समझना है। संजीव भैया को क्रोध आ गया लालू पर। लालू प्रतिकार नहीं करता, उसे याद है स्टोव देश की गाथा, विराद का कतम हंत्रे जनाए परे कुपति त्रिंगुलम पात अनपदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। यदि लालू करते हो तो छोड़ देना, यदि आचार्य भगवान पर श्रद्धा है पूछपा स्वामी पर, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? विराधक की भी विराधना मत करो। क्यों? जैसे
त्रिंगुल पर पैर रखने वाला स्वयं दंड को प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आपको दुखित कर रहा है तो वह स्वयं दुखी होगा, क्योंकि जैसा बॉल सामने फेंकोगे पैसा लौट कर भी आएगा। कुएं में आवाज करोगे तो आवाज लौट कर वापस आपके पास आएगी, ऊपर धूल फेंकोगे धूल वापस आपके ऊपर ही आएगी। ऐसे किसी को दुखी करने से पहले सोच लेना कि मैं किसको कष्ट दे रहा हूं। कष्ट आप अपने आप को देते हो, लेकिन लगता है कि हमने कष्ट उसको दिया है। इसलिए विचार करना, किस बात का कि जो निर्विचार है उसके बारे में विचार कर रहा है। मां, आज तक विचार किसके बारे में किया? मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, मेरी सेवा करेगा। साकेत भाई क्या कर रहे हैं? जिसके बारे में विचार करना चाहिए उसके बारे में विचार ही नहीं है। क्रिया चल रही है लैपटॉप पर, मीटिंग चल रही है सेटों से, लेकिन जिसे सिद्ध आत्मा बनना है उसकी तो विचार ही नहीं है, उसके बारे में विचार ही नहीं है। एक जीव जो छोटा भाई है कि बड़ा है? बड़े हैं, उनके काम बड़े हैं, लेकिन ये बड़े के साथ में रहकर भी काम छोटे कर रहे हैं, लेकिन विचार नहीं है। सुपर सागर जी, क्या कभी उसके लिए आपने कुछ बोला नहीं कि भाई अब चलो, समय तो हो गया, कब तक सेवा करते रहोगी मेरी, अब स्वयं की सेवा भी तो करवाओ। लेकिन ध्यान रखना साकेत भाई, सेवा कराने के लिए मोक्ष मार्ग में नहीं आ जाना। मोक्ष मार्ग में आकर सेवा जरूर होती है, लेकिन जो सेवा कराने के भाव से आता है उसकी सेवा कभी नहीं होती है। इसलिए विचार करना, किसके बारे में? जो निर्विचार है। संजय भाई, सेवा किसकी कर रहे हो? किसकी सेवा चल रही है? समाज की? नहीं, समाज की सेवा कोई नहीं करता। समाज पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। जो भी जीव धर्म का आचरण कर रहा है, जो भी जीव धर्म की क्रियाएं कर रहा है, वो समाज के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, निज के लिए ही करता है। इसलिए विचार करना, जो भी लोग बैठे हैं सब विचार कर लेना, अभी सम्यक समाधान होगा तो उसमें भी विचार करना कि सम्यक समाधान किसके लिए, जिसने प्रश्न पूछा है उसके लिए। प्रश्न वाला स्वतंत्र होता है, लेकिन वो प्रश्न आपके मन में आया नहीं लेकिन आ सकता है, तो वो भी चिंतन आप अपने अंदर ही लगाना। मनराज अपने ज्ञान से उसका उत्तर देंगे, लेकिन वो उत्तर आपके पास भी होता है, बस आप बोल नहीं पाते हैं। इसलिए विचार करना, हमारा समय हो गया। किसका समय हो गया? ये जिन वाणी तो चल रही है, और क्या है? जिनेंद्र की वाणी, जिन वाणी, यही तो है। जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर होते हैं। देखो महाराज जी बोल रहे हैं तो उत्तर भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। समय बहुत है, पर समय नहीं है महाराज जी। समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। आपके सूत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी देशना हमने पढ़ी है, नयन पथ गामनी, सुने पथ गामनी, उसमें हर बात में पीछे एक बात आती है, समय पर किया गया काम समय को निश्चित रूप से दिलाता है। लेकिन कौन से समय का? ये वाला समय बहुत भूत याद रखना। समय मतलब आपकी आत्मा, समय मतलब आगम। आगम के साथ जो आगम का काम करता है वही समय को प्राप्त करता है, मतलब अपनी परमात्म दशा को प्राप्त करता है। इसलिए समय पर किया गया काम समय पर करो। अल्लू भैया किसके हार हुए? कौन से? किसको देख रहे हो? सुप्र सागर की पर्याय को देख रहे हो?
कि हम आपने अभी पर्याय को देखा, लेकिन जो ज्ञानी होगा, जो परमात्मा ज्ञानी होगा, वो देख रहा होगा भविष्य की सिद्ध हमारे घर में विराजमान हुए हैं। आपको पंच परमेष्ठी दिख रहे हैं, साधु परमेष्ठी दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग पर्यायों को देखते हैं, जो लोग पर्यायों को देखते हैं, उन्हें केवल साधु परमेष्ठी का फेस दिखेगा, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञानी होगा, अध्यात्म ज्ञानी होगा, ज्ञानी उसे दिखेगा कि ये भविष्य के पांचों सिद्ध बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखना, दृष्टि पर्याय पर नहीं होना चाहिए। पर्याय दृष्टि होगी तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि महेश्वरा। यदि ईश्वर बनना है तो पर्याय से दृष्टि हटा करके द्रव्य दृष्टि पर अपनी दृष्टि ले जाओ, तो आपकी आत्मा भी एक दिन सिद्ध परमात्मा बन जाएगी। इसलिए विचार करना है किसके बारे में, जो निर्विचार है, जिससे आपकी आत्मा भी एक दिन उस विचारातीत आत्मा के रूप में प्रकट होगी और आपका यह मोक्ष मार्ग हमेशा प्रशस्त होगा। कब? जब विचारातीत आत्मा से आपका मिलन हो जाएगा। इसलिए भावना भाना मोगना जी की भावना है, कुछ पंक्तियों के साथ जो जिन वाणी है वो आपके सामने में प्रस्तुत कर देता हूं। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी चंदा से भी निर्मल हमरे श्री गुरुवर की आभा है, चंदा से भी निर्मल हमरे श्री गुरुवर की आभा है, सूरज भी शीश झुकाता है, सूरज भी शीश झुकाता है। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुनते सुनते माँ जिन वाणी देह से निकले आत्मा, सुनते सुनते माँ जिन वाणी देह से निकले आत्मा, सुगति में जावे यह आत्मा, सुगति में जावे यह आत्मा। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो, आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो, नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। जय बुढ़िए महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की सच।